So let's read the question. The question says, which one of the following represent isoelectronic species? Now, the key concept related to this question, that is the periodic trend. ठीक है, अब isoelectronic का मतलब क्या है? isoelectronic मतलब टू एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट इट्स एनी स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट भी हो सकता है और एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है। अगर दोनों एलिमेंट का सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी दोनों को हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, जो ऑप्शन ए दिया है सोडियम प्लस क्लोराइड माइनस, क्लोराइड दैट इज ऑक्सीजन, ओ माइनस एनओ प्लस। अब क्लोरीन और ऑक्सीजन को हम कंपेयर करेंगे। क्लोरीन क्या है? ग्रुप 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2NP5 और ऑक्सीजन का ग्रुप 16, सो NH2NP4। अब माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ए हो गया NH2NP6 और ए हो गया NH2NP5। सो अगर हम देखे तो इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? क्लोरीन का ऑक्टेट फुल हो रहा है पर ऑक्सीजन का नहीं हो रहा है, तो इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन ही तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ऐसे भी देखा जाए तो क्लोरीन क्या है? क्लोरीन जो है थर्ड एलिमेंट है, थर्ड पीरियोडिक एलिमेंट है और ऑक्सीजन सेकेंड पीरियोडिक एलिमेंट है, तो इसका मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन नंबर ऐसे भी डिफरेंट होगा। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन दोनों में ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो दोनों का डिफरेंट ही रहेगा। सो ऑप्शन ए जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस नहीं है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, N2O, N2O4, NO प्लस, NO। अब इसमें देखिए N2O और N2O4 को चेक करने की जरूरत नहीं। अब NO प्लस और NO में देखिए, NO में जितना इलेक्ट्रॉन होगा NO प्लस में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन लेस होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तो इसका मतलब NO प्लस और NO कभी भी एक का कैटायन और सेम एलिमेंट और उसका कैटायन सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कभी हो नहीं सकते क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम होगा कैटायन में, सो एक ग्रुप भी नहीं होगा। ठीक है, और दूसरे का चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं, एन ए प्लस, एम जी टू प्लस, ऑक्सीजन माइनस, एफ माइनस। अब ऑक्सीजन और फ्लोरिन सेम ग्रुप में है और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन कम होता है फ्लोरिन से क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 16 है, फ्लोरिन ग्रुप 17 है और दोनों में ही माइनस वन चार्ज है, इसका मतलब एक ग्रुप 18 हो गया, एक ग्रुप 17 में आ गया। तो अभी ऑक्सीजन माइनस और फ्लोरिन माइनस का कभी भी सेम इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, कैल्शियम 2 प्लस, आर्गन, पोटेशियम प्लस, सीएल माइनस। अब कैल्शियम 2 प्लस मतलब कैल्शियम के प्लस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 20 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 प्लस मतलब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अब हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन ऑब्वियसली एक नोबेल गैस है, उसके पास होता है 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम के पास होता है 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा क्योंकि प्लस है, सो हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास होता है 17 इलेक्ट्रॉन, ऐड हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। सो चारों स्पेसिस के पास ही 18 इलेक्ट्रॉन है, सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसका मतलब सेम चार्ज से आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कोई मतलब नहीं है। जो ए तो प्लस टू चार्ज है, न्यूट्रल है, प्लस वन चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो चार्ज अगर सेम होगा इससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। ठीक है, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।